फिंच वगैरह छोड़ूंगा तो उसकी भी वीडियो आएगी, और इंशाल्लाह कल या परसों वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप दोस्तों तक पहुंच जाए वो वीडियो भी। और आप चाली का थोड़ा काम था वो भी मुकम्मल हो गया है, और आप जैसा कि देख सकते हैं मास्टर केज के अंदर जो कि मटकियाँ लगी हुई है, और ये मटकियाँ मैंने। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मास्टर केज का काम कुछ थोड़ा बहुत रह गया है जो कि वो पूरा मुकम्मल करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं मास्टर केज बिल्कुल ओके तैयार हो गया। मास्टर केज बिल्कुल आप देख सकते हैं, जाली वगैरह का काम था वो सब हो गया, गेट वगैरह का काम था, ये नीचे का गेट का भी काम था ये भी मुकम्मल कर दिया है मैंने, और अब जाली का थोड़ा काम था वो भी मुकम्मल हो गया है। और आप जैसा कि देख सकते हैं मास्टर केज के अंदर जो कि मटकियाँ लगी हुई है, और ये मटकियाँ मैंने फिंच और बेंगलाइस के लिए लगाए जो कि इनके लिए ओपन एरिया रखा हुआ है, और बाकी बर्ड्स के लिए जो कि वो अपने केजेस के अंदर होंगे जो मुझे रखने हैं बर्ड्स अपने। एक तो फ़ोन जावा हो गया, और अल्बैनो का सेटअप हो गया, फिशर हो गए, लबर्स हो गए, इनके लिए मैंने अलग से एक केज लगाया हुआ है लोहे वाला वो ये है, और जो जावा वगैरह रखने के लिए है वो माशाल्लाह से ये केज है नौ खानों वाला, इसके अंदर अपनी जावा की ब्रीड लेंगे। और पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं फिंच वगैरह छोड़ूंगा तो उसकी भी वीडियो आएगी, और इंशाल्लाह कल या परसों वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप दोस्तों तक पहुंच जाए वो वीडियो भी। और आप देख सकते हैं मैंने मटकियाँ कहाँ कहाँ रखी हुई है इनके फिंच के और बेंगलाइस के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, तो ताकि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, ब्रीड वगैरह सब अच्छी आ सके, फिंच हो गया, बेंगलाइस हो गए, डफ वगैरह हो गए, इनकी ब्रीड अच्छी आ सके। ये केज मैंने रखा हुआ इसलिए ताकि इनके ऊपर ये केज के ऊपर मैं दाना वगैरह रखूँ और नेक्स्टिंग मटीरियल रखूँ, घास वगैरह इनके लिए। और नीचे है जो कि इसके अंदर से बड़ा गेट रखा हुआ ताकि इन फिशर वगैरह को दाना वाना दे सके, और इन फिंच और डफ बजरीज वगैरह को दाना दे सके। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको इनकी वीडियो भी मिल जाएगी दूसरी, जो मास्टर केज के अंदर हम फिंच वगैरह छोड़ेंगे, बेंगलाइस वगैरह, तो वो भी आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।